नमस्कार, न्यूज ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कमलनाथ सरकार के बारे में। मध्य प्रदेश में निज़ाम बदलने के बाद लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि हर तरफ बदलाव नज़र आए, और बात करें अगर हम मंत्रियों की तो मंत्रियों की ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की ही जो कमियां थी वो यहां अभी भी कायम हैं। कई मंत्रियों की शिकायत ये है कि वे जब जनता के काम अधिकारियों को बताते हैं तो उस पर अधिकारी संजीदगी से काम नहीं करते हैं। कुछ ने इस बात को लेकर मुख्यमंत्री जी से भी शिकायत की है, और कुछ इस पूरे मुद्दे को लेकर एक संयुक्त शिकायत करने का भी मूड बना रहे हैं। मंत्रियों का ये दर्द क्यों है, इसको जानने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ ये भी परखने की कोशिश करेंगे कि अधिकारी इस समय क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि कमलनाथ जी क्या चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको सही और गलत के बारे में बताया भी नहीं जा रहा है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। अगर मैं बात करूं कांग्रेस की तो कांग्रेस से वरिष्ठ नेता है दीपचंद यादव जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। मैं बात करूं अगर बीजेपी की तो बीजेपी से श्याम श्रीवास्तव जी रहेंगे और वो यहाँ बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बात करूं अगर पत्रकार के रूप में तो पवन गुरु जी रहेंगे हमारे साथ और वो यहाँ पर अपनी राय प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहला सवाल दीपचंद जी आपसे, वक्त है बदलाव का और बदलाव हो भी गया, और खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ जी कई बार अधिकारियों को ये ताकीद कर चुके हैं कि अब आप अपने आप में कार्यशैली में बदलाव लाइए, पर बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। कई मंत्रियों की शिकायत ये है कि उनके विभाग के प्रमुख जो हैं, प्रमुख सचिव जो हैं, वो उन्हें तरजीह नहीं देते हैं। देखिए प्रकाश जी, एक तो प्रशासनिक अधिकारियों की मानसिकता और जनता की अपेक्षाएं, और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जो वर्तमान शासन में मुख्यमंत्री या मंत्रीगण होती हैं उनके कार्यशैली पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आज जो मैं समझ रहा हूँ, प्रशासनिक अधिकारी जो वो तो ये सोचते हैं कि सरकारें तो आती जाती हैं, हमें तो 30 साल तक या जब तक उनको उनकी नौकरी है वो पूरी करना है, इसलिए उनको इस सीट पे नहीं उस सीट पे बैठ जाएंगे। ये मानसिकता सरकारी अधिकारियों की हो गई है, कर्मचारियों की हो गई है, लेकिन इससे जिम्मेदारी से शासन नहीं बच सकता है। कमलनाथ जी काफ़ी अनुभवी नेता हैं, केंद्र में और प्रदेश केंद्र में भी काफ़ी लंबे समय से मंत्री के रूप में और सांसद के रूप में वो काम कर चुके हैं, और अभी लगभग 2 महीने से ज़्यादा, 1-2 दिन ज़्यादा हुए होंगे प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हुए, लेकिन उन्होंने प्रशासन में जो कसावट लाना शुरू करी है, निश्चित ही कसावट लाते जब हम लाते हैं कोई भी किसी भी चीज़ में कसावट लाते हैं तो थोड़ी बहुत तो किसी को तकलीफ होती होगी, और कर्मचारियों को अधिकारियों को निश्चित ही इससे कष्ट ज़रूर हो रहा होगा कि अभी तक वो 15 साल तक वो श्रृंखलता से जो दिल चाहते थे मनमानी जो चाहते थे करते थे, अब उनके ऊपर अंकुश जरूर लगा है। ये भी मान लीजिए कि ये तंत्र और शासन का जो दोनों का संबंध होता है, घोड़सवार और घोड़े एक से होता है, अगर घोड़े को हमारा घुड़सवार नियंत्रण में नहीं रख पाएगा तो फिर उसके लिए बहुत सी औपचारिक मैं समझता हूँ बहुत सी कारण होते हैं, बहुत सी वजह होती हैं जिनके और जिनको वो उसको नियंत्रण में करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कमलनाथ जी में वो सब क्षमताएं हैं कि ये बिगड़े हुए जो घोड़ा है उसको नियंत्रण में जरूर लेकर के आए। बिल्कुल, बात कमलनाथ जी की नहीं, बात मंत्रियों की है। ये आप ऊपर विंडो में देख रहे हैं, महेंद्र सिंह सिसोदिया जी हैं और ये श्रम मंत्री हैं कमलनाथ सरकार में। ये विदिशा पहुँचे कल तो इन्हें कलेक्टर रिसीव करने नहीं आए, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिन श्रम अधिकारियों के साथ ये चर्चा कर रहे थे, नया सवेरा योजना जो कांग्रेस की है, जो पहले संबल योजना हुआ करती थी, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, तो जो अधिकारी थे वो सुधीश कम्बल जी, वो जेब में हाथ डालकर बात कर रहे थे, और जो एक डेकोरम होना चाहिए, जो एक मर्यादा होना चाहिए, उसका दोनों का पालन नहीं किया। इस पर ये मंत्री जी जो हैं वो भड़क गए। आप बताएं। स्वाभाविक है भड़कना। एक मैंने पहले भी कहा कि एक तरफ जनप्रतिनिधि हैं जिनसे जनता की अपेक्षा है, दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी हैं वो जो ये समझते हैं कि हम तो एक निश्चित
समय तक के लिए पट्टा लिखा रहा है, लिखा के ले आए हैं, हमारे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम यहाँ से वहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन अगर प्रशासनिक अधिकारियों का ये दायित्व होता है, संवैधानिक और नैतिक भी दायित्व है और कानूनी भी दायित्व है कि वे शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करें। और जो डेकोरम है, क्योंकि डेकोरम प्रशासनिक अधिकारी ज़्यादा जानते हैं बनिस्पत दूसरे लोगों के, तो उनको डेकोरम को मेंटेन करने का उनका कर्तव्य है। और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए, मंत्री जी को लेना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को लेकर आना चाहिए, और चीफ सेक्रेटरी जो है इनके जो प्रशासनिक चीफ हैं उनको उस पर संज्ञान लेकर के उन पर नियंत्रण रखना चाहिए। और अगर वो इस तरह का पुनरावृत्ति करते हैं तो उस पर अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है चीफ सेक्रेटरी लेवल पे करना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ श्याम जी आपसे ये सवाल कि जिस तरीके की हालत आपकी भारतीय जनता पार्टी सरकार के लास्ट जो 3 साल समझ लीजिए शिवराज जी की सरकार में थी, वही हालत अभी भी बनी हुई है। अधिकारी इतने उच्च श्रृंखल हैं कि वो इच्छा होती है तो मंत्री की बात सुनते हैं, इच्छा होती है तो उनके फ़ोन उठाते हैं, नहीं तो नहीं उठाते हैं। आपको क्या लगता है जो गलती आपने की थी वही ये लोग भी कर रहे हैं? नहीं, असल में ये सोचने का तरीका है। पहले ये कहते थे कि अधिकारियों को नियमों से काम नहीं करने दिया जा रहा, अधिकारी स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जा रहा। अब जब सरकार आई तो अब कहते हैं कि अधिकारी स्वतंत्र और उच्छृंखल थे। तो या तो वो पहले वाली बात ठीक थी कि नियमों से काम नहीं करने दिया, एक बात तो ये हो गई कि हम तय करें। दूसरी बात यह कि ये जो घुड़सवार और घोड़ा और हाथ में चाबुक वो कैसे चलेगा, मैं इस बात को ठीक नहीं मानता। लोकतंत्र में ना नहीं मानते, इसीलिए तो सत्ता में नहीं है आप। ना कोई घोड़ा है ना कोई घुड़सवार है, दोनों पटरी के दो पहिए हैं। अरे तो एक पहिया काम ही ना करे तो क्या करें जी? एक पहिया अगर काम नहीं कर रहा था आपका, तभी तो आप सत्ता से उतर गए। तो आप इसीलिए तो आपकी पटरी से उतर गई ना गाड़ी। घोड़ा है, अरे घोड़ा कुत्ता बिल्ला छोड़िए, मैं तो आपसे इंसान है, मैं तो श्याम जी नाते ही उससे काम लेना पड़ेगा। श्याम जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपका ये जो टेन्योर निकला पिछला वाला, उसी में तो आपने ध्यान नहीं दिया ना। जब आपके ही कार्यकर्ता कहते रहे कि साहब कलेक्टर सुनते नहीं है, विभागीय मंत्री कहते रहे कि साहब हमारे को कोई सुनता नहीं है, प्रभारी मंत्री कहते रहे सुनता नहीं है कोई, तो उसका खामियाजा आपने भुगत लिया ना? नहीं, हम उसी में से हम रास्ता निकाल कर उन्हीं अधिकारियों से, उसी प्रशासन तंत्र से हम काम निकलवाते थे। और मध्य प्रदेश शासन की सारी जन कल्याणकारी योजनाएं, अरे आप काम निकलवाते थे कि काम लग गया इसमें तो आप लोगों का? नहीं, चुनाव हारना जीतना एक अलग बात है, लेकिन अगर देखें तो हमने जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं थी शासन की, और इसी प्रशासन के कागज पे चलाई, दूसरे नंबर पर लाए, इसी प्रशासन के दम पर इंदौर को हम इंडिया में पहले नंबर पर लाए स्वच्छता में, इसी प्रशासन के दम पर हमने कृषि कल्याण अवार्ड जीता, इसी शासन के दम पर हमने सहकारिता के बहुत सारे अवार्ड और अवार्ड जीत के सत्ता से बाहर हो गए। औद्योगिक प्रगति, वो देखिए चुनाव हारने जीतने के बहुत सारे कारण होते हैं। श्याम जी एक बात ईमानदारी से बताइए, आपके लिए अवार्ड महत्वपूर्ण है या जनता की सेवा महत्वपूर्ण है? नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, ये काम, अरे एक इसका जवाब बताइए बस, इसका जवाब। अवार्ड केवल भारतीय जनता पार्टी, अरे आप तो मुझे ये बताइए, ये अवार्ड आपको सुन तो लीजिए। अरे श्याम जी आप ये बताइए, आप इन अवार्ड को माथे पे चिपका के घूम रहे हैं? वो सही, लेकिन ये प्रशासन ने वो काम किया, रिजल्ट निकल कर तो आए ना, तो ये फर्जी निकाला उसी का नतीजा निकला ना ये, कि एक तरफ आप अवार्ड लिए चले जा रहे थे और जनता जो है वो परेशान थी नहीं अधिकारी कर्मचारी। और फिर ये कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी हैं ये उस समय काम नहीं, नहीं आप देखिए मुद्दे पे रहिए श्याम जी कृपा पूर्वक मुद्दे पे रहिए। देखिए अब आपको कोसने का कोई अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि आप सत्ता से बाहर हुए आपकी ही गलतियों के कारण। तो अब ईमानदारी से जनता के सामने ये स्वीकार कीजिए कि हाँ भाई हमारे समय पे अफसरशाही निरंकुश थी, मुख्यमंत्री को 4 अफसरों ने घेर रखा था बस, तो जिनने घेरा था उन्हीं ने निपटा दिया। बोलिए ना इस तो बात को ही नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि वो घुड़सवार नहीं है, हमारा सहयोगी है, बोलना वो घोड़ा है, ऐसे ही करेंगे दोबारा सत्ता में आए तो उसी के सहयोग में लेकर सारा काम चलेगा और चलाना तो चाहिए। आपने आप मानते हैं कि अरे श्याम जी, अरे इंसान कौन कह रहा, जानवर है वो, घोड़ा और क्या होता है? अरे हम थोड़ी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इनकी बात है। आप मैं वही कह रहा हूँ आपसे बात, अगर शासन में रहने वाले आप अपनी धारणा ऐसी रहेगी अच्छा तो आप इनको सिर पे ही बिठा के चलेंगे हमेशा, जैसे अभी सत्ता से उतरे वैसे और उतरेंगे, दोनों पहिए अपने अपनी दिशा में ठीक चलेंगे तो रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा, थोड़ा बहुत समय लग सकता है। आपको क्यों नहीं मिला रिजल्ट?
आपको क्यों नहीं मिला रिजल्ट विधानसभा चुनाव का? हारने जीतने में बहुत सारे कारण होते हैं। नहीं, बहुत सारे कारण मत बताइए श्याम जी, जनता का श्याम जी एक बात को आप ईमानदारी से स्वीकार कीजिए कि कई अफसरों ने आपके मुख्यमंत्री को जिस तरह से अंधेरे में रखा और जिस तरह से उन तक बातें नहीं पहुंचने दी जनता की, उसी का दुष्परिणाम आज आप भुगत रहे हैं। ठीक है, बोलिए ना, काम करते हैं, कहीं जगह कमी रह जाती है, कमी रह जाती है तो उसका कमी का असर भी दिखाई देता है, लेकिन चुनाव हारने में केवल प्रशासन तंत्र अकेला जिम्मेदार नहीं, बहुत सारी बातें जो होती हैं और उन सब के कारण कुल मिलाकर रिजल्ट बनता है। चलिए, आप ऐसे ही करते रहिए। और पवन जी, आपसे ये स्पष्ट टिप्पणी मैं चाहूँगा कि शासन कैसा होना चाहिए, जनता के प्रति संवेदनशील हो, तत्काल एक्शन में आए, ऐसा शासन प्रशासन होना चाहिए, या फिर जैसा बीजेपी ने अभी चलाया और जैसा कि अभी श्याम जी खूब गुणगान कर रहे हैं कि नहीं साहब हो तो सब अच्छे थे? देखिए, शासन हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जो जितनी जनता चुनाव जिताती है या हराती है उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 5-10% ऐसे लोग होते हैं जो आपके पास काम के लिए आते हैं और उनके 5-10 जो परसेंट हैं उनके काम अगर प्रॉपर समय से नहीं होंगे, जो इमरजेंसी वाले काम हैं, चाहे शासन में कोई भी बैठे हों या बीच में जो भी माध्यम वाले हों, तो वो जनता जो बीच वाली है वही जनता इधर से उधर पलट जाती है, तो शासन पूरा का पूरा बदल जाता है। तो इसमें चाहे मंत्री जी हों चाहे अधिकारी हों, इनका एक सामंजस्य होना चाहिए और एक टाइम पीरियड के हिसाब से जनता के काम नहीं करेंगे तो 5 साल तो निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। अब जो पवन जी शिकायतें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि मंत्री हों या फिर और कांग्रेस के नेता हों, वो ये शिकायत कर रहे हैं साहब एक महीने पहले एप्लीकेशन दी, अभी तक वो पता ही नहीं, किसी ने रद्दी की टोकरी में फेंक दी, किसी ने उसका पता नहीं क्या अचार डाल लिया, क्या कर लिया, जनता घूमती रहती है, एक बात को 100-100 बार कहना पड़ता है उसके बाद अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। नहीं तो उसके लिए इनको कोई टाइम पीरियड फिक्स करना चाहिए कि इस टाइम के अंदर ये काम आपका होना ही चाहिए, बाई चांस काम नहीं हो पा रहा तो उसका भी स्पष्टीकरण इतने दिन में जरूर दें। तो जब स्पष्टीकरण कैसे लें, बीजेपी के सरकार के समय आपको नहीं लगता कि ये जो निरंकुशता आ गई थी कि उनको ये लगता था अधिकारियों को कि भाई हम तो सीएम के खास हैं, क्या कर लेगा मंत्री हमारा और क्या कर लेगा संगठन, तो वो अपने हिसाब से चलते थे साहब, बस सीएम को गुड़ी गुड़ी न्यूज देते रहते थे कि साहब बहुत एक ही अवार्ड मिल गया इसको माथे पे चिपकाओ, ये एक अवार्ड मिल गया इसको सिर पे रख लो बस, और घुमाते रहते थे। उससे देखिए उससे जनता को मतलब नहीं था, जनता को अपने काम से रहता है, वो काम अगर समय पे होगा तो जनता आपको सर पे बिठाएगी और काम समय पे नहीं होगा तो जनता हटा भी देती है, तो वो तो हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए और उस ढंग से जनता के हित में संवेदना के साथ काम करना ही चाहिए जिसके लिए जनता ने हमको बिठाया है। बिल्कुल दीपचंद जी, यहाँ जो आपने एक एपिसोड देखा वो तो एक है, पर कई मंत्री अब इस मामले में शिकायत करने का मूड बना रहे हैं और इसमें सिंधिया ग्रुप के मंत्रियों की हमारे पास खबर है कि वो इस वजह से नाराज हैं कि उनके मातहत जो भी प्रमुख सचिव हैं या वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके, वो उनके साथ पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये आपको नहीं लगता कि चिंता का विषय है? देखिए, चिंता का विषय तो है, वो मैं विनोद जी की बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ, लेकिन अभी श्याम भाई ने एक हमारे यहाँ मुहावरे होते हैं, हम बहुत से मुहावरे बोलते हैं, शब्दों की तरफ ना जाकर के उसकी भावना क्या है उसकी तरफ जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लेकर केंद्र तक श्याम भाई यहाँ से लेकर केंद्र तक आप लोग शब्दों को पकड़ते हैं, उसके पीछे भावना क्या है उसकी तरफ नहीं जाते हैं, और उस शब्दों को पकड़ के आप उसको राजनीतिक परिदृश्य की तरफ ले जाते हैं और उसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। इससे आप लोगों को बचना चाहिए, मेरी आपको बहुत ही विनम्र निवेदन है, क्योंकि इससे पहले कई हो गए, मैं उदाहरण वो देने नहीं चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि ये हमारी किंवदंतियाँ कह लें या मुहावरे कह लें, ये हमें बहुत ही अनुभव के बाद लोगों ने दिए हैं, हमारे यहाँ परंपराओं में हैं, तो इसलिए उसको उस तरह से नहीं लेना चाहिए, शब्दों पर नहीं जाना चाहिए। दूसरा, अभी आपने जो प्रकाश जी आप जिस विषय पर बात कर रहे थे, मैं इस बात से अगर शासन और ये सिंधिया गुट की जो बात की, क्यों यहाँ पर सिर्फ एक गुट है, कांग्रेस का गुट, यहाँ के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हैं, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई गुट नहीं है, लेकिन अगर हाँ इस तरह की अगर भावना लोगों के अंदर पैदा होती है, कर्मचारी अधिकारियों जनता में या हमारे प्रतिनिधियों में अगर इस तरह की भावना अगर पैदा होती है तो उस पर संज्ञान लेना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को लेना चाहिए और जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनको लेना चाहिए, और इस तरह का मैसेज जनता में नहीं जाना चाहिए कि यहाँ ग्रुपिज्म
कार्यक्रम है, इस बात से मैं सहमत हूँ। और जहाँ तक मेरी बात होगी, मैं भी इस मामले में जहाँ पर मुझे बात करना है, जिस फोरम पर बात करनी है बात करूँगा। लेकिन मैं श्याम जी प्रकाश जी, आप ये मान के चलिएगा कि इतने दिनों का बिगड़ा हुआ जो ढर्रा है उसको सुधारने में टाइम लगेगा, उसको सुधारने में थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है। अभी आप देखिएगा पटरी पे आ रही है सब बातें, और प्रशासनिक अधिकारियों में भी जो डर और खौफ जो होना चाहिए प्रशासन का, बहुत अच्छी बात हो रहा है, और इसको बनाए रखना चाहिए। और मैं प्रशासनिक अधिकारियों से जरूर आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये निवेदन भी करूंगा, सुझाव भी दूंगा कि वे जनता के प्रति अपने दायित्वों को समझें, और शासन की जो मंशा है, क्योंकि उनका ये दायित्व हो जाता है जो वैधानिक रूप में जो भी शासन आपको आदेश करता है जनता के हित में, उनके क्रियान्वयन में अपनी अड़ंगेबाजी नहीं लगाना चाहिए, वरना उनको खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये देखा आपने श्याम जी के, कांग्रेस की ये खूबी है, गलती है तो है, सही है तो सही है। अब मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि आप कह रहे हैं कि साहब हम बहुत अच्छा काम कर रहे थे और अधिकारियों की शान में आपने कसीदे भी पढ़े, अच्छी बात है, अधिकांश अधिकारी अच्छे ही होते हैं, कर्मचारी भी अच्छे होते हैं, पर कुछ लोग अड़ंगेबाजी से बाज नहीं आते। तो आपने उसका एक नतीजा देखा कि भाई आप अब हार गए, अब हार गए तो अब ये कांग्रेस आई, तो मान लीजिए इनके भी कुछ मंत्री ये महसूस कर रहे हैं कि भाई कलेक्टर के पास वो जिस जिले में जा रहे हैं विदिशा में, वहाँ पे मंत्री पहुँच रहे हैं महेंद्र सिसोदिया जी और कलेक्टर आ नहीं रहा है, चलिए मान लीजिए वो किसी मीटिंग में होंगे, तो अपना जो उन्होंने माथा भेजा हो उसको कम से कम डेकोरम फॉलो करना चाहिए था। ये आपको नहीं लगता कि कमी है, इसकी वजह से लोकतंत्र का ये जो व्यवस्थापिका वाला पहलू है वो कमज़ोर होता जा रहा है? वैसे तो लगभग सभी पहलुओं पर अगर हम विचार करें तो कोई ना कोई आहत है ही, पर ये कमी आ रही है। नहीं, मेरा निवेदन ये है, हमारे टाइम में आपको ऐसा लगे कोई चीज़ अच्छी है उसको बैठ के विचार करो, अगर ऐसा नहीं लगे कि ये अच्छा नहीं है उसको बदल दो, लेकिन एक सिस्टम बनाओ, और उस सिस्टम को बनाकर अधिकारी की जिम्मेदारी फिक्स करें, कौन सी जिम्मेदारी किस अधिकारी की है। अगर वो फॉलो नहीं होती तो उससे दूसरे दिन पूछो भी कि ये क्यों नहीं हुआ, तो अगर ऐसा हुआ क्या आपके यहाँ, तो टाल मटोल की भावना आ जाएगी। हुआ क्या तुरंत उसको पूछो, हम करते थे ऐसा नहीं, कहीं चूक हो गई या चुनाव में हम हार गए इसलिए सब खराब हो गया, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने एक घोषणा की, आपने इन्वेस्टर सबमिटें की और करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए उन पर, की कि नहीं की? आपने कभी अधिकारियों से पूछा कि बता भाई साहब कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने उद्योगपति खुश हैं? अरे उनकी बात तो छोड़िए, आपके आरएसएस के संगठन से जो जुड़े हुए थे उद्योग संगठन, उनने खुद ने ये शिकायत की है मुख्यमंत्री तक से, साहब गोविंदपुरा की फैक्ट्रियां सिर्फ इसलिए बंद हो गई कि अफसरशाही इतनी हावी है कि उनके हर कार्य में अड़ंगा लगाती है। हमारे यहाँ हम उचित फोरम पर उनसे पूछते भी थे, जवाबदेही भी तय करते थे, और जहाँ गड़बड़ होती थी उस पर कार्रवाई भी करते थे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कार्रवाई होती थी तो यही पक्ष कहता था कि हम अधिकारियों को बहुत बांध के रख रहे हैं, उनकी व्यक्तिगत नहीं। देखिए आप उस पर मत जाइए, आप तो अपनी कभी बताइए। दूसरी हालत इतनी खराब है कि अभी कर्ज माफी, मैं कह रहा हूँ मेरे साथ चले मीडिया, कर्ज माफी का सच जरा जाके तो देखो, सरकार ने घोषणा कर दी 22 तारीख के बाद कोई कर्जदार नहीं रहेगा, जिसके 80-80 90-90 हजार कर्ज है उसको 1-1 हजार का सर्टिफिकेट दे रहे हैं सब। अरे साहब मेरा कहना ये, सर्टिफिकेट देने के बाद भी ये बताने को तैयार नहीं है कि ये कौन से खाते का कर्ज है। हमने कहा 80,000 है, ये उस खाते का नहीं है, ये कौन से का है? अरे श्याम जी, अब आप टेक्निकल बातों में मत जाइए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, एक योजना लाए हैं, अच्छी योजना है, अगर 100 किसान नहीं, मैं तो कहता हूँ 2 ही किसान लाभान्वित हुए तो सही ना, इसको आप सकारात्मक रूप से क्यों नहीं लेते? ऐसे ही बरगला कर कांग्रेस चुनाव, अरे बरगला कर, आपने नहीं बरगलाया क्या इन्वेस्टर समिट के नाम पे? खराब हो रही है कि जाके देखें गांव में लोग कागज लिए फिर रहे कि हमारे भैया, अरे मैं आपसे इतना लोन था ये माफ क्यों नहीं हुआ। श्याम जी मैं यही कह रहा हूँ, जवाब तो दे। मैं श्याम जी यही कह रहा हूँ कि यही कार्यक्रम आपके समय चला था तो आप कहते थे कि नहीं बहुत अच्छा चल रहा है हमारा, अब आपको समझ में आ गई ना? कोई निश्चित जवाब होता था, अभी तो
अधिकारी से कोई जवाब नहीं होता था, आपके आपके मुख्यमंत्री शिवराज जी को ऐसा घेर रखा था चार अधिकारियों ने, और वही भीड़ मैनेज कर देते थे, और उनको लगता था कि साहब जन आशीर्वाद यात्रा में पब्लिक उमड़ रही है, और उमड़ गई पूरी की पूरी। ये मुख्यमंत्री के लेवल की बात नहीं है, जब मैंने एक फॉर्म भरा के मेरी कर्ज माफी होना चाहिए। अरे मैं इस पे पूछ रहा हूँ आपसे, उससे पूछ रहे भैया ये कर्ज माफी का 1000 का सर्टिफिकेट आया, ये कौन से अकाउंट का है? 80,000 का फॉर्म भरा था। श्याम जी आपसे पूछो कुछ, आप बताते कुछ, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप बता कुछ और रहा। कौन बताएगा? ये यही भर्रासाही है, नहीं भर रहा आपके यहाँ, ठीक है, नहीं भर्रासाही है, इसकी जो मर्जी में आ रहा है वो कर रहा है, आपके यहाँ ठीक है, नहीं समझ में आ रही, न जनता के समझ में आ रही, ये मैं कहना चाहता हूँ। चलिए श्याम जी, आपके जनता का भी भला। श्याम जी आपके समय तो थी ना भर्रासाही, ये भी आपके समय भी थी ना यही? नहीं, हमने 15 साल सरकार चलाई है साहब, जनता ने हमको 2 बार 3 बार जनादेश दिया है। 2 बार तो ढंग से दे दिया। तीसरी बार में अगर हमको किसी कारण से अगर जनता को कमी लगी तो वो भी हमने शिरोधार्य किया, उसके लिए हमने कोई जोड़ तोड़ करके जुगाड़ करके अपनी सरकार चलाने की कोशिश नहीं की। जब तक जनादेश पूरा नहीं मिलेगा तब तक सरकार चलाने से कोई फायदा नहीं, खंडित जनादेश से इस तरह ही आते। अधिकारियों को ये बात समझाना चाहिए कि लोकतंत्र है, इसमें सरकार तो आती जाती है, आप नियम से काम करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, और अब आप अपनी इस गलती को भविष्य में कभी सुधारेंगे यहाँ पे या केंद्र में के ऐसे ही चलाएंगे जो अभी चल गया नहीं, था? वो तो समय समय पर हमको जनता से भी, अधिकारियों से भी, आप सबसे भी, मीडिया से भी जो मार्गदर्शन मिलता है उससे जो हमको अच्छा मिलता है वो हम सबसे लेते हैं। चलिए, तो आपको नहीं लगता कि कई विषयों पर जो है आप, हाँ हम रिव्यू करते हैं कुछ, बहुत सारे मामलों में हमको लगता है कि यहाँ हमसे चूक हुई है या हो रही है, हम उसको तुरंत ऐसे आप जैसे सब बुद्धिजीवियों से मिलकर, सारे विद्वानों से मिलकर मैदान में फील्ड में जाकर पवन जी राय लेते हैं, उस पर काम करते हैं। पवन जी आपको क्या लगता है, बीजेपी ने ये जो गलतियां की थी और ऊपरी स्तर तक बातें नहीं पहुंच रही थी, उसी का परिणाम ये हुआ कि धीरे 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 करके बीजेपी का संगठन भी खत्म होता चला गया और शासन प्रशासन में एक जो भय होता था वो भी खत्म हो गया, हर जगह एक बैरियर बन गया, और उस बैरियर का चाहे वो छोटा कर्मचारी हो या बड़ा अधिकारी हो, उनने अपना बैरियर डाल लिया और वो बैठे हुए हैं। जो एक मतलब खौफ होना चाहिए मुख्यमंत्री का, मुख्य सचिव का, मंत्रियों का, वो खौफ खत्म हो गया। देखिए मेन जो मैंने शुरू में बताया था कि जो 5-10% जनता है वही काम के लिए आती है, वही परेशान होती है और वही सब परिवर्तन लेके आती है, तो वो 5-10% के बीच में अगर बीच में रुकावट आती है, उनके इमरजेंसी वाले काम नहीं होते, चाहे उनका जो भी काम हो छोटे बड़े, अधिकांश बहुत छोटे छोटे काम होते हैं, वो रुकावट से चाहे फिर सत्ता में कोई भी पार्टी बैठी हो तो जनता का रुख बदल जाता है। आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं एक खबर नवीस के नाते, और खासतौर पर अब तब की जबकि बीजेपी हट गई है, कांग्रेस आ गई है, तो कुछ बदलाव वाकई खौफ नजर आता है अधिकारी कर्मचारियों में या वैसे ही मस्ती में चल रहे हैं सब? अभी तो कोई ऐसा परिवर्तन दिख नहीं रहा है, लेकिन उम्मीद करी जा रही है कि अगर सामंजस्य अच्छा बैठ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ये कमियां पूरी हो सकती हैं। बिल्कुल, यहाँ दीपचंद जी एक बात और उठती है कि खुद कांग्रेस के कई नेता खुश नहीं हैं अव्यवस्थाओं को लेकर, आपका ये कहना भी सही है कि पुराना ढर्रा है, बिगड़ा हुआ है, सुधारने में टाइम तो लगेगा, परंतु जिस गति से, जिस मंथर गति से, धीमी गति से काम हो रहा है वो कार्यकर्ताओं को, आपके कार्यकर्ताओं को निराश करता है। प्रकाश जी देखिए, हम शासन जब जब निर्णय लेता है तो 2-3 तरह के बातों पे सोचना पड़ता है। नंबर एक तो वो होता है जो पूरे प्रदेश के लिए योजनागत तरीके से लिया जाता है, दूसरा कुछ व्यक्तिगत नाराजगियाँ, व्यक्तिगत कार्य होते हैं जो व्यक्तिगत व्यक्तियों से जुड़े होते हैं, समूहों से जुड़े होते हैं, वो हो जाते हैं। तीसरा ये बात हो जाता है कि हम समाजों को शहरों से और उससे जुड़े होते हैं, तो इनको हमको कामों को अलग अलग तरीके से बांटना पड़ेगा। आज व्यक्तिगत कामों की तरफ लोग देते हैं तो उसकी, क्योंकि व्यक्तियों की अपेक्षा ये हो जाती है कि जैसा सत्ता परिवर्तन हुआ या हमने जिसको भी जिताने के लिए काम करा वो सिर्फ अब से वो हमारा हमारे हम जो कहें वो काम कर दे, तो वो वहाँ पर भी अड़चने आती हैं, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पे हो और चाहे वो शासन के स्तर पे हो, वहाँ पे ज़रूर आती है कि व्यक्तिगत कार्य करने के लिए अगर वहाँ नियम कायदे कानून का आड़े आते हैं तो उन नियम कायदे कानूनों के मद्देनज़र रखते हुए उसकी अपेक्षाएं जो होती हैं उसको पूरा करने के लिए
शासन के अधिकारियों को और जो भी जनप्रतिनिधि होता है उसको पूरा करना चाहिए। अभी आपने बहुत अच्छी बात कही थी प्रकाश जी के इतने समिट हुए, ये हुए, वो हुए, वो आपने पूरे प्रदेश के स्तर पर देश की प्रगति के हिसाब से बात करी थी, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 वर्षों में शून्य रही, वहाँ पर 10 भी आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि अरबों खरबों रुपया खर्च तो हो गया लेकिन समिट का जो लाभ जनता को मिलना चाहिए, प्रदेश को मिलना चाहिए था, समग्रता से मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। लेकिन मैं इस बात से भी, अपनी जिम्मेदारी से भी, कांग्रेस को शासन को नहीं हटना चाहिए कि जनता ने जो उससे अपेक्षाएं की हैं उसे पूरा करने के लिए उनको पूरे प्रयासरत रहना चाहिए, और शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों को भी जो जनप्रतिनिधि जो काम कहते हैं नियम अनुसार जो काम होते उनको नियम में लाकर के उन कार्यों को में अड़ंगे नहीं लगाना चाहिए, उसमें कार्य तत्परता से करना चाहिए ताकि उसके परिणाम जनता को दिख पाए, और प्रशासनिक अधिकारी भी और जनप्रतिनिधि भी अपने कार्यकर्ताओं के लिए जनता के प्रति भी वहां जाकर के कह पाए कि हमने आपसे ये वादा किया था हमने कर दिया, तो वो हमने पूरा करने की दिशा बिल्कुल आपने बहुत अच्छी प्रयास कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही है और होना भी यही चाहिए। राजनीति में जो लोग आते हैं वो जनता की भावनाओं को समझते हैं और वो उन अधिकारियों को अच्छे से कन्विंस कर पाएँ और अधिकारी एक लय से काम कर पाएँ, ये व्यवस्था है तो उस पर सही ढंग से काम क्यों नहीं हो रहा है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता हों या मंत्री हों, वो सिर्फ इस बात को लेकर नाराज़ हैं कि उनकी सुनवाई समय से नहीं हो रही है, और इस बात पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, खुद मंत्रियों को भी ध्यान देना चाहिए। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर, न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।